कहते हैं इसका प्रलय भी होता है अथवा नहीं होता है, होता है तो क्यों होता है और कब होता है, इस सब के बारे में मार्कंडेय की पुराण की कथा है। एक बार जो आदि शक्ति है जिनको हम तारा के रूप से भी जानते हैं, तारा रानी के रूप में, तो आदि शक्ति के मन में एक क्षोभ उत्पन्न हुआ और जब क्षोभ उत्पन्न हुआ तो उन्होंने सृष्टि का रचना कर लिया, सृष्टि की रचना कर ली। सृष्टि में रचना जब करी तो प्रकृति का भी प्रादुर्भाव हुआ, प्रकृति की भी रचना हुई और जब प्रकृति की रचना हो गई तो कौतूहल मचने लगा हृदय में, मन में शक्ति के। तो उन्होंने सोचा कुछ करना चाहिए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न हुआ, हमें कुछ करना चाहिए। हमारे आपके अंदर भी जब कोई मजबूती आती है खान पान तो लगता है कुछ वर्जिश करना चाहिए, योगा करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए, कुछ करनी चाहिए। तो प्रकृति ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव किया, ब्रह्मा जी को। अब ब्रह्मा जी से एक प्रस्ताव रखा कि आप विवाह करके मुझसे और सृष्टि का विस्तार करें। ब्रह्मा जी ने कहा आप तो मेरी जननी है और आपने ही मुझे प्रकट किया, तो आपके साथ विवाह कैसे कर सकते हैं। तो शक्ति को क्रोध आया और उन्हें भस्म कर दिया। विष्णु को प्रकट किया, विष्णु के साथ भी यही प्रश्न था, उनको भी भस्म कर दिया। अंत में शिव जी का प्रादुर्भाव हुआ। शिव और शंकर में भेद है, वस्तुतः तत्व तो एक ही है। शिव का अर्थ अलग है और शंकर का अर्थ अलग है। तो शिव जी का प्रादुर्भाव, शिव माने होता है कल्याण, जो सबका कल्याण कर दे वही है शिव। तो जब शिव जी इसीलिए जगत के गुरु कहलाए, उन्होंने शक्ति के सामने एक शर्त रख दी, ठीक है मैं आपकी शर्त को मानूंगा पर मेरी एक शर्त है कि आप ये जो तीसरी नेत्र है आप मुझे दे दें तो मैं सृष्टि के विस्तार में आपका सहयोग करूंगा। बिल्कुल, शक्ति एवं अस्तु कहके और तीसरा नेत्र शिव जी को प्रदान कर दिया। और जैसे ही शिव जी को तीसरा नेत्र मिला तो शक्ति को भी भस्म कर दिया। शक्ति को भस्म करने के उपरांत फिर ब्रह्मा और विष्णु को शिव ने प्रकट किया। अच्छा, शक्ति को भी सती के रूप में उन्होंने प्रकट किया। सती को स्वयं शिव जी ने अंगीकार कर लिया, इसलिए उनका नाम पड़ा शिव और शक्ति, ब्रह्मा और विष्णु हुए। इन दोनों में बड़ा युद्ध हुआ, कौन बड़ा, इस सृष्टि में कुछ था नहीं, चारों तरफ शून्य ही शून्य। तो विष्णु जी एक बार ऐसे शेष में विश्राम कर रहे थे, बिल्कुल सूखा था, और विश्राम करते करते उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। जब अश्रु बहा तो संपूर्ण सृष्टि जो है तो जलमग्न हो गई, चारों तरफ जल ही जल। जब जल हुआ तो भगवान के नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ और उसी कमल में ब्रह्मा जी विराजमान हुए। ब्रह्मा जी कमल के तंतु में जाते जाते पता करने लगे इसका आदि अंत कहाँ है, तो पाया नहीं। अंत में पुनः आकर के बैठ गए कमल पर ही, तब सब आकाशवाणी हुई, ता और पा दो शब्द आप तप करिए। ब्रह्मा जी ने तप किया, तब भगवान विष्णु ने और अथवा शिव जी ही कहें उनको चतुर श्लोकी भागवत का उपदेश दिया, भागवत धर्म का, और उसी से ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करने लगे। सृष्टि के विस्तार में पहले ब्रह्मा जी ने चार कुमारों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, जिनका नाम है वो हमारे आपके सब पूर्वज हैं। क्यों? क्योंकि सृष्टि के आदि में वही चारों आए। ब्रह्मा जी ने उनसे सृष्टि का विस्तार करने के लिए कहा तो हरि शरणम, भगवान का नारायण का नाम ही उनके मुख में हरि शरणम एवं मुख निशा वचः, अहर्निश उनके मुख में भगवान का ही नाम संकीर्तन, और वो अपना विचरण करते हुए जब एक बार ऐसे ब्रह्मा जी के दर्शन करने गए, ब्रह्मा जी ने पूछा कुछ हुआ सृष्टि का, बोले कुछ भी नहीं है, हमसे हमारी बस का नहीं है, हम कुछ करने वाले नहीं। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया और उन दोनों को चारों को बोल दिया जाओ तुम बाबा बन करके ऐसे घूमते रहो और एक जगह टिकोगे भी नहीं, तब से वो विचरण ही करते रहते हैं। उत्तराखंड में कोई सत्संग करने वाला मिला तो वहाँ बैठ करके कथा सुन लेते हैं, और कोई नहीं मिलता है 24 घंटे में कथा सुनाने वाला, तो आपन ही चारों में से एक को वक्ता बना देते हैं और तीन श्रोता बन करके घर का सत्संग कर लेते हैं। परंतु बिना सत्संग का जीवन उनका कटता नहीं, जैसे हमें आपको चाय सवेरे उठते ना मिले तो अब लगा कि सब कटा दिन भर में, वैसे उनका व्यसन है, हमारा आपका व्यसन जो
चाय नाश्ता है उनका व्यसन है हरि शरणम, भगवान का नाम और कोई कथा सुनाने वाले ना मिला उनको बेचैनी हो जाती है। ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया, 10 मानस पुत्र हुए क्षत्रिय अंगिरा इत्यादि, 10वें हुए नारद जी। इसके उपरांत ब्रह्मा जी के दक्षिण अंग से पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ और वामांग से कन्या का, जिनका नाम पड़ा मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा से ही मनु आदमी है, शत्रु स्त्री है। पुरुष और स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ, दोनों का विवाह हुआ और उन दोनों से ही सृष्टि का विस्तार हुआ, इसलिए हम सब मनु की संतान है, इसलिए हम मनुष्य कहलाए। अच्छा। मनु जी के 5 संतानें हुई, 2 पुत्र और 3 कन्या। पुत्रों का नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत राजा ऐसे राजा थे कि उन्होंने एक बार देखा कि संपूर्ण सृष्टि में जो है तो दिन में लोग तो अपने कार्य व्यसन में लगे रहते हैं और रात्रि ही भोग विलास में और निद्रा में व्यतीत कर देते हैं, इस प्रकार से उनको लगा कि ऐसा सृष्टि में कुछ करना चाहिए कि रात्रि ही न हो। अच्छा। तो ज्योतिर्मय भागवत की कथा है, भागवत के चतुर्थ स्कंध के 5वें अध्याय की कथा है। तो उन्होंने एक ज्योतिर्मय रथ का निर्माण कर दिया अपने तप से, और उस ज्योतिर्मय रथ में बैठ करके पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर डाली, 7 दिन तक रात्रि हुई ही नहीं। अच्छा। तीनों लोगों में हाहाकार मच गया है, क्या हुआ? सब ब्रह्मा जी के पास गए, बोले ये आपका पोता जो है तो सृष्टि में बड़ा कौतूहल मचा रहा है। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े आए और उनसे जा करके बोलते हैं, प्रिय व्रत से आप क्या कर रहे हो? तो ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि आपके जो मानवीय सृष्टि है यहाँ तो लोग सब व्यसन में ही व्यतीत करते हैं, रात्रि निद्रा में व्यतीत कर देते हैं, इसलिए रात्रि होवे ही ना। ब्रह्मा जी ने बोला ऐसा नहीं है बेटा, सबका अपना अपना समय। और एक बार ऐसा हुआ कि किसी की सब्जी में सब्जी बनाई और सब्जी में थोड़ा सा नमक ज़्यादा हो गया, अब सब्जी खाने वाला जो है तो नमक की बुराई गिन गिन करके नमक को गाली देना चालू कर दिया, नमक सबसे बेकार चीज है, नमक को खाना ही नहीं चाहिए, नमक से सब लोग दूर रहिए, वो सबको कहना प्रारंभ कर दिए। परंतु कोई समझदार मिले तो बोले ऐसा ही करा, नमक बुरा नहीं है, उसकी मात्रा बुरी है, आपको आवश्यकता कितनी है नमक की आप उतना डालिए, ज़्यादा डालोगे तो नमक बेकार लगेगा ही, तो नमक में अवगुण नहीं है, अवगुण हमारे में है, हम उसका उपयोग कितना कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा ऐसा है, रात्रि का भी महत्व है और दिन का भी महत्व है, बस उसकी आवश्यकता कितनी है हमें उतना ही उपभोग करना चाहिए, अब रात्रि की बजाय हम दिन में भी राते मारते रहे, रात्रि में भी मारे तो ज़्यादा निद्रा लेना वो हमारे लिए नुकसानकारी है, अथवा ना तो रात्रि बेकार है और ना ही दिन बेकार है। इस प्रकार से ये हुए, उत्तानपाद के 2 विवाह हुए, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम सुरुचि, सुरुचि से उत्तम हुए पुत्र और सुनीति से हुए ध्रुव। 3 कन्याएं थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति महारानी का विवाह हो गया धर्म के साथ, प्रसूति महारानी का विवाह हुआ शिवजी के राजा दक्ष के साथ, प्रजापति दक्ष के साथ, और जो देवहूति महारानी थी उनका विवाह हुआ कर्दम ऋषि के साथ। उनके कालांतर में 9 पुत्री और 1 पुत्र हुए, जो ये सती अनुसुईया इत्यादि हैं ये सब देवहूति महारानी की पुत्रियाँ हैं। पुत्र हुए कपिल महाराज, जो 14 जनवरी संक्रांति में गंगा सागर में जाते हैं, वो कपिल महाराज भगवान के ही अवतार हैं वो, तो कपिल भगवान हुए। 9 पुत्रियों का विवाह जो भगवान ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र थे, तो नारद का विवाह हुआ नहीं, 9 मानस पुत्रों के साथ उनका विवाह कर दिया गया। वहीं से कश्यप भी हुए, मानस पुत्र कश्यप भी थे, उन्हीं से 2 पत्नियां थी कश्यप जी के, दिति और अदिति। दिति से देवता हुए, अदिति से देवता हुए और दिति से दानव हुए। देवताओं के हम आप सब वंशज हैं और अदिति से राक्षस हुए। देवताओं के विपरीत सदा राक्षस कार्य करते हैं, इसलिए वो राक्षस कहलाए, और देवताओं धर्म अनुकूल आचरण करते हैं इसलिए देवता कहलाए। हम आप उन्हीं के वंशज हैं। कभी कभी लोग कहते हैं ना, पुत्र अथवा पुत्री किसके माता को गई है, अपन पिता को किसका सकल है, सब बोलते हैं। तो हम आप सब कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव।